अरे इतना सन्नाटा क्यों है भाई, हमें खुद से बातें करनी होती तो चिराग में ना रह जाता मैं। अजी सुनते हो, मैं ऊंची आवाज में बात कर बेटे। भाई तू कोई मदारी तो ना है, और जब मुझे तुझे कोई तमाशा दिखाना आता है कि तू चिराग को घिसा किसता है तुमने? हाँ हाँ। अच्छा क्या मैं सच में एक नीले इंसान से बात करूं? हट, मैं नीला जीनी हूँ, नीला इंसान नहीं, छोटे दिमाग का तई मत कर। तुम्हें एतराज ना हो तो अस्थि पंजर खोल लो जरा, अगर इजाजत हो तो। तुम मुझसे इजाजत मांग रहे हो? जीनी मुक्तासन, मेरे आका तो तुम लग रहे हो। हाँ पर ऐसा कभी होता ही नहीं है, यहाँ सिर्फ तुम मैं और ये बंदर है इस गुफा के अंदर। तो कब से इस चिराग में बंद हो? हजारों सालों से। हजारों सालों से? हजारों सालों से। ए छोटे एक बात बता, हर बात पे इतना क्यों चौंक रहा है? अली बाबा के होते थे 40 चोर दिखाते थे बहु लाखों खेल, तुम हो आला अब तुम्हारे पास, ऐसा है जान जो होगा फेल। तो मुराद कैसे मांगते? क्या क्या मजाक है क्या? पूरा का पूरा गाना यही तो समझा रहा था मैं, तो तुझे सच में नहीं पता कि मैं कौन हूँ? जीनी जादू चिराग, दिमाग की बत्ती नहीं जली। ओ, ऐसा ऐसा पहले कभी हुआ नहीं। लगता है गाना सुनते वक्त तुम्हारा दिमाग काम नहीं करता, इसलिए ध्यान से सुनो। पहला काम है चिराग को घिसो, फिर दूसरा काम अपनी मुराद मांगो, और तीसरा है ही नहीं, देखा कितना आसान है। अरे इतने विस्तार में तो मैंने अपने चाचा को ना समझाया, आमतौर पर मुझ तक जो पहुंचता है वो अपनी मुरादे पहले से तय करके आता है, और ज्यादातर मुरादे होती है तीन से ज्यादा मुराद नहीं मांग सकते, तीन ही मिलेंगी। हाँ किसी को प्यार कराना नहीं कराना मेरे बस में नहीं, मरे हुए को वापस लाना तो भूल ही जाओ। बीच में कुछ समझ में ना आए तो मुझे रोक लेना, मजाक कर रहा हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए ऐसा सोचना भी मत। एक सलाह देता हूँ, दुनिया में इतनी दौलत या ताकत है ही नहीं जो किसी की भी लालच पूरी कर सके, तो तुम उस रास्ते जाना ही मत, समझ गए? तो मांगो अपनी पहली मुराद। तुम्हें इतनी मुश्किल क्यों हो रही है एक छोटी सी मुराद मांगने में? जल्दी मांगो मेरे भाई, वरना ये नीला जीनी देखते ही देखते लाल पीला हो जाएगा। क्यों तड़पा रहे हो? तुम्हें नहीं पता, पर तुम तो सब जानते हो ना। तुमने अपने कान में तेल डाल लो, क्योंकि तुम ठीक से सुनते नहीं हो। मैंने कहा था मैं ताकतवर हूँ, पूरी कायनात में सबसे ताकतवर। ठीक है जीनी, मेरी पहली मुराद ये है कि हमें इस गुफा से बाहर निकालो। करने का वक्त आ गया। शुक्रिया। कालीन से रूट से चलेंगे, जिस रूट से उस रूट की सभी लाइनें मस्त है। एक जीनी की जिंदगी में यही तो तकलीफ है, जादुई ताकत होने के बावजूद रहने के लिए सिर्फ 12x6 इंच का कमरा। दुनिया कितनी बड़ी है, चिराग के अंदर पीतल 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 पीतल। शीतल दिखती तो फिर भी ठीक था, लेकिन नहीं पीतल। तो क्या इसमें जादू है या फिर तुम में जादू है? जादुई गठबंधन समझ लो, मैं लोगों में पूरी तरह घुल मिल सकता हूँ। या फिर ये कैसा है, ये चोटी निकाल सकते हो क्या तुम? अरे इससे नजर नहीं लगती भाई, तुम मेरी जगह होते तो क्या मांगते? मैं अपनी आजादी मांगता इन बेड़ियों से। बूम, क्या कर सकता मैं आपके लिए? बूम, खोखल शरबत लेंगे, बूम, रस्सम की खस्ता मैं आपको आजादी। तुम खुद अपने आप को आजाद क्यों नहीं कर लेते? अकालिन भैया सुन रहा जरा आपका कह रहे हैं, एक जीनी तभी आजाद हो सकता है जब चिराग का मालिक उसकी आजादी की मुराद मांगे, और ये पिछली बार तब हुआ था जब सूरज पश्चिम से निकला था, यानी कभी नहीं रे। देखो मुरादों का यही मसला है कि जितनी भी मिले हमेशा कम लगती है। तो मेरे पास तीन मुरादें हैं। तीन नहीं सिर्फ दो बची हैं, एक तो गुफा से बाहर निकलने के लिए मांग चुके। मैंने मांगी या तुमने? बंदर ने दिखाई हाथ की सफाई, मुराद बच गई, बधाई हो बधाई। ये तो आशिक का चेहरा है, कौन है वो हसीना जिसने दिल तेरा छीना? वो एक शहजादी है। वो तो सभी है, मैं तो कहता हूँ अपनी माशुका को रानी की तरह रखो। क्या तुम मुझे शहजादा बना सकते हो? देखो भाई बनाने को तो मैं अच्छे अच्छों को बना चुका हूँ, जो भी बोलो तोल के बोलो, कहीं कोई भूल चूक हो गई तो गए समझो। समझ गया। हाँ नहीं तो खाया पिया कुछ नहीं, गिलास थोड़ा बारा। तो शहजादा कैसे बनाऊं? सलीम बनाऊं या अकबर या बीरबल? बीरबल तो मंत्री था। भाई लोग जरा पीछे हट जाओ, आप देखो मेरा जलवा, कर दूंगा ऐसा जादू सोना, पहना दूंगा 50 तोला सोना। ये ज्यादा हो गया, जानता हूँ ये ज्यादा हो गया, शायद ये पहनूंगा तो दिमाग चलेगा, फिर महंगा कपड़ा निकालना पड़ेगा हल्के रंग में। हाँ ये देखो शाही पोशाक, ये तो बहुत बड़ी टोपी है। हाँ टोपे पहनाने का हुनर है मुझमें, कुछ करना होगा। जी
चीनी को देखकर दर्शक हुए बेकाबू। क्या कहते हो, मुझे पसंद आया? और नहीं तो क्या, बनाया किसने? ये मुझ पर जचता है। हाँ जचता है, क्योंकि मैंने इतनी मेहनत जो की है, तुम तो यूं ही खड़े थे। देखो मेरे आका, तुम्हारे जीने ने कर दिया धमाका। सारी हंसी राय चिल्ला रही है चीनी वाले बाबू। लेकिन हम जाएंगे कैसे? अब बंदर की सवारी तो नहीं कर सकते, देखो कैसे भागने की तैयारी कर रहा है। अरे रुक जा बंदरवा। ओ गधा, गधे पे गधे लगोगे। हैंड्रा कबू कुछ नहीं होगा। शहजादा अली अबाबुआ से। कहाँ है आपका ये मुल्क अबाबुआ? हाँ वो उत्तर में। ये उत्तर और दक्षिण के बिल्कुल बीच में है। हमारे पास कुछ तोहफे हैं, तो हाजिर हैं तोहफे सिर्फ आपके लिए। और हाँ मुरब्बा। मुरब्बा? मुरब्बा? हाँ मुरब्बा, रतालू मुरब्बा, अंजीर का मुरब्बा, स्वादिष्ट और शानदार मुरब्बा। मुरब्बे के दलदल से बाहर निकलो मेरी जान। क्या? तो क्या खरीदना चाहते हैं आप इस पेश कीमती? आपको ओ तेरी। क्या आप कहना चाहते हैं कि मैं बिकाऊ हूँ? बेशक नहीं, नहीं बेशक नहीं। 10,000 सालों में मैंने इतनी बेइज्जती कभी नहीं झेली। इससे बेहतर था चिरा के अंदर रहता मैं, भले ही वहाँ अंधेरा हो। लेकिन मैं कुछ भी करूँ उसे पसंद नहीं आता। कुछ समझ ही नहीं आ रहा, ना हीरे से, ना जवाहरात से, ना मुरब्बे से मेरे जादू का असर ही नहीं हुआ। तो पता नहीं किसका असर होगा, पर मेरे भाई तुम नाचे तो बहुत खूब, पता नहीं कहाँ हो गए चूक। तुमने तो कहा था तुम्हारे पास कोई दोस्त नहीं मेरे जैसा। नहीं मैंने तुमसे कहा था कि तुम्हारे पास कोई दोस्त नहीं मेरे जैसा। मुझे फिर से उसके पास जाना होगा। तुम्हारी दूसरी मुराद है? नहीं ऐसे ही दोस्ती यारी में। देखो भाई जीनी कहना कोई दोस्त नहीं होते, मुझसे हर कोई कुछ चाहता है, भालना मुश्किल हो जाता है। तुम सही हो, वैसे भी शहजादी तक पहुंचने के लिए कनीस से दोस्ती तो। अच्छा समझ रहा हूँ, तुम मेरे जज्बातों के साथ खेल रहे हो ना। उसे तो पता चल गया मैं अलादीन हूँ, तुम्हारा जादू मार खा गया। आओ, अब जादू में कभी ऐसा वैसा हो जाता है छोटे, और सच्चाई के सामने कभी न कभी जीनी का जादू भी कमजोर पड़ जाता है। मैंने तो उसे यकीन दिला दिया कि मैं एक शहजादा हूँ। ओ तो झूठ का शरबत पीने में मजा आ रहा है। वाह बेटे, पहले हम आपके हैं कौन, फिर कुछ कुछ होता है, और अब दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे। तुमने तो शहजादे से भी बड़ा काम कर दिखाया है। मैंने तुम्हारे लिए नियम तोड़े, तुम्हारी जान बचाई, किस लिए? तुमने मेरा दिल तोड़ दिया छोटे, दिल तोड़ दिया मेरा। अरे तुम पागल हो गए हो क्या, ऐसी जगह चिराग घिसोगे तो मुझे चोट लग जाएगी। कर देना मुराद मांगने में गड़बड़, खैर मुझे क्या। कायनात के सबसे ताकतवर चीनी आप बनेंगे। माना कि चीनी में बहुत सी जादुई ताकतें होती है। रहता है वो 12x6 के छोटे कमरे में, और जिस चीनी का कोई आका नहीं होता उसका पता चिराग ही होता है। हजारों साल गुफा में रहने के बाद ये शैतान संत बन जाएगा। काली मैया के तो चीथड़े उड़ गए, चलो चमका देते हैं। मैंने कुछ सोचा है, ये तुम्हारी आखिरी मुराद है ना, शाही जिंदगी वैसे तो अच्छी होती है, बस उसमें थोड़ा 19-20 करना पड़ता है। तुम्हें जरूरत है इसकी। ये है आगरमा का कानून जिसे मैं तुम्हारे लिए घुमा सकता हूँ। तो तुम कानून को यूं ही बदल सकते हो? छोटे कानून मेरी जेब में है। अलादीन एक नेक दिल शहजादा जिसकी दिलेरी को देखकर दुश्मन की दुश्मन गिरी निकल जाती है। जास्मिन कैसा लगा?